कैनेडा पुलिस वालों जारी की गई 11 खतरनाक गैंगस्टर की सूची 11 में 9 गैंगस्टर पंजाबी लोगों इन गैंगस्टर तो दूर रहने की दी चेतावनी प्राप्त जानकारी मुताबक कनेडा की ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने गैंगवार नाल संबंधित 11 खतरनाक गैंगस्टर की सूची जारी की है और लोगों इन तो दूर रहने की चेतावनी भी जारी की है। इतने तुहानू दस दिए कि इन 11 में 9 पंजाब मूल के हैं। ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने कहा है कि यह गैंगस्टर सूबे में हत्यावां ते गोलीबारी के मामलों नाल संबंधित हैं ते लोग उन्हां दे नेड़े जाण तों बचण। पुलिस ते सुरक्षा एजेंसियां ने कहा है कि इस गल की बहुत संभावना है कि कोई विरोधी गैंगस्टर उन्हां नूं निशाना बनावेगा ते जे कोई उस समय आम अणभोल इन्हां दे नेड़े होया तां उसका नुकसान हो सकता है। पुलिस अधिकारी मैनी मान ने कहा कि सूचीबद्ध गैंगस्टरां तों उन्हां दे दोस्तां अते परिवारां नूं भी खतरा है। हस्पताल बचाओ संघर्ष कमेटी भदौड़ वालों 3 कौणी सड़क ते लाया धरना कीता चक्का जाम। इत्थे तुहानूं दस दईए कि भदौड़ दे सरकारी हस्पताल च सिहत सहूलतां अते डाक्टरां दी कमी कारण इह हस्पताल बंद होण दी कगार ते पहुँच गया है। दूजे पासे रोस वजों भारतीय किसान यूनियन डकौंदा ने सरकार तों हस्पताल संबंधी मंगां नूं लै के पक्का धरना ला लिया है। इस दौरान किसान आगुआं वालों दावा कीता गया है कि जदों तक मंगां पूरियां नहीं हुंदियां उदों तक उह इत्थों नहीं जाणगे। इस मौके पंजाब वासियां ते होर किसान जथेबंदियां नूं मुखातिब हुंदे उन्हां कहा कि दिल्ली धरने च लाया टेंट साडे कोल है अते जे आप दी सरकार इह मंगां पूरियां नहीं करदी तां दिल्ली वाला टेंट हुण भदौड़ विखे लगेगा। सरकार दीआं नीतियां नूं निंददे होए कमेटी अते जथेबंदियां दे आगुआं ने सिहत मंत्री नूं निशाना बणाउंदे होए कहा कि सरकार साडे टैक्स नाल चलदी है, असीं किसे तों भीख नहीं मंगदे। इक वारी फिर दस दईए कि हस्पताल च डाक्टरां दी कमी तों परेशान लोकां वल्लों इह धरना लाया गया है। PAU लुधियाणा के विद्यार्थियों का संघर्ष होया तेज़। PhD होल्डर विद्यार्थियों ने बसों के शीशे किए साफ लाए सरकार विरुद्ध नारे। जिक्रयोग है कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा के विद्यार्थी सूबे के खेतीबाड़ी और बागबानी विभागों में खाली पईआं असामियां और असामियां नूं भरन विच सरकार की नाकामी नूं लैके लुधियाणा विच पिछले 9 दिनों तो प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि विद्यार्थियों के इस प्रदर्शन की प्रतिक्रिया च सरकार वालों हजे तक कोई ठोस कदम नहीं चुकया गया। विद्यार्थियों के इस रोस ने अज उस समय होर तेजी फड़ ली जब PhD होल्डर अते होर संबंधित विषयों के विद्यार्थियों ने अपने रोस वजों फिरोजपुर रोड से वाहनों की सफाई की। पंजाब सरकार मुरदाबाद अते साडा हक इत्थे रख जे नारे ला के सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण दी कोशिश की। इंडियन एक्सप्रैस के साबका पत्रकार अते लेखक जगतार सिंह ने सिख तवारीख च अज के दिन नूं मुखातिब हुंदियां कीता ट्वीट। दस दईए कि इंडियन एक्सप्रैस के साबका पत्रकार अते लेखक जगतार सिंह ने ट्वीट किया कि 4 अगस्त 1982 वह दिन सी जिस दिन अकाली दल ने सिखां अते पंजाब दे हितां दी राखी लई धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। इस मोर्चे कारण आए भूचाल के झटके अज भी महसूस किए जाते हैं। दूजे पास इस मुख रखदे श्रोमणी अकाली दल के फेसबुक खाते से भी इस संबंधी पोस्ट पाई गई जिसनों सुखबीर बादल अते हरसिमरत बादल वालों भी साझा किया गया। इस पोस्ट च लिखा सी कि कांग्रेस सरकार की तानाशाही का विरोध करदिआं लगाए गए धर्म युद्ध मोर्चे के समूह अकाली शहीदों नूं श्रोमणी अकाली दल सनिमर श्रद्धांजलि भेंट करता है। केंद्र सरकार ने इस साल के नवरात्रि त्यौहार से गरबा एंट्री पासा से GST लगाउण दा कीता फैसला। गुजरात च मोदी सरकार का विरोध। दस दई कि हर गुजराती नवरात्रि विच गरबा खेडण लई उत्साहित हुंदा है। वैसे भी हुण नवरात्रि के 2 महीने बाकी ने। हालांकि इस साल गरबा खेडना खिडारियों लई थोड़ा महंगा हो सकता है क्योंकि केंद्र सरकार वालों खिडारियों के गरबाना पास से 18% GST लगाया जा रहा है। इसनों स्थानक लोगों वालों जे देखा जाए तो सभ्याचार का अपमान भी कहा जा रहा है। सूत्रों मुताबक मिली जानकारी के अनुसार नवरात्रा के त्यौहार से आयोजित किए जाते गरबा से केंद्र सरकार ने इस साल गरबा एंट्री पासा से GST लगाउण का फैसला किया है। गरबा आयोजकों इस कारण रैवलरों वाधू खर्चा देना पवेगा। GST लगाउण का फैसला कुछ वर्गों लई ठीक भी नहीं है क्योंकि उन्होंने तर्क है कि गरबा गुजरात की मुख पछाण है। दूजे पास विरोधी धिर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने 9 दिनों के नवरात्रि त्यौहार के हिस्से वजो गुजरात के प्रमुख शहरों में करवाए जा रहे व्यापारक गरबा समागमों लई एंट्री पासा से 18% वस्तु और सेवा टैक्स यानी कि GST वापस लैण की मांग की है। अज दी खबरों के विच इन्ना ही। होर जानकारी के लिए देखते रहो प्लस TV HD। धन्यवाद।